मित्रों नमस्कार, ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक फार्म्स के यूट्यूब चैनल में सभी साथियों का स्वागत है। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक को बनाने का एक कारण ये रहा कि दिन में आज एक ऐसा वाक्य हुआ मेरे साथ कि मुझे उससे प्रेरणा मिली और मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो अपलोड की जाए, क्योंकि ये बहुत ही जनहित में बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है और इसीलिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि जो स्लाइड है वो मैं इंग्लिश में तैयार कर लेता हूँ और जो बाकी बातें हैं मैं हिंदी में समझा पाऊँगा, क्योंकि जो लर्नेड पर्सन्स हैं वो बड़े आसानी से स्क्रीन पे आप समझ सकते हैं और बाकी सुन भी सकते हैं। और जो हिंदी वाले हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं बोलकर बताता हूँ तो उनको आसानी से समझ में आएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज का टॉपिक है ऑक्सीटोसिन। जी हाँ, जो कैटल फार्मिंग में जो लोग हैं वो इस शब्द को बड़े आसानी से जानते हैं, क्योंकि डेयरी फार्मिंग में इसका हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कई वर्षों से और गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है और निगरानी करती है गवर्नमेंट इस पर, लेकिन फिर भी जो क्योंकि अब ये प्राइवेट कंपनीज़ को नहीं दे रखा है और जिन कंपनीज़ को दे रखा है उनके साथ गवर्नमेंट का पैक्ट है, स्टिल इसका यूज़ जो है कभी काफ़ी गलत तरीके से होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा एक इसका शॉकिंग यूज़ और है, लेकिन उससे पहले मैं ऑक्सीटोसिन के बारे में ये बताना चाहूँगा कि जो ऑक्सीटोसिन है वो इतनी लविंग ड्रग कैसे बनी, इतनी फेवरेट ड्रग्स किस लिए है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि इंडिया के अंदर आप ये समझिए कि हर एक घंटे में जो आंकड़े हैं लगभग 5 महिलाएं ऐसी होती हैं जो डिलीवरी के दौरान एक्सेस ब्लड लॉस में जो है उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको ये रोकता है, तो इसलिए ये बहुत फेवरेट है और बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर रही है वर्ष 2018 से, लेकिन फिर भी इसका जो मिसयूज़ है वो होता है जैसे कैटल फार्मिंग में। और जो दूसरा मिसयूज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उसे सुनकर हैरान हो जाएंगे, काफ़ी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए नई बात होगी। जी हाँ, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इस ऑक्सीटोसिन नाम के इंजेक्शन का बहुत मिसयूज़ हो रहा है और बेसिकली जो हमारे करेले के खेती या जितने भी बेलनुमा जो हमारे फल या फ्रूट जो भी होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर सब्जियों में जितने आपका ये घिया है, तोरी है, लौकी है, जो बेल वाली सब्जियां हैं उनमें इसका मिसयूज़ हो रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने गूगल से भी सर्च की है और इस बारे में मैं जानता भी हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, इससे अच्छा वो जैविक रूप से बहुत सारी खादें जैसे हमारी सरसों की खल की एक खाद बनती है और हम उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लेते हैं और बाकायदा हम वेस्ट डिकम्पोजर उसमें मिला सकते हैं, तो ऐसा फर्टिलाइज़र बना लेते हैं कि जैसे जो वो घिया या तोरी या लौकी जो भी ऐसे फार्मर हैं या जो छोटे मुनाफाखोर हैं या जो बड़े मुनाफाखोर भी हैं जो वो काम कर रहे हैं वो उससे बेहतर होगा कि वो उसको अपनाएं और ज़्यादा लौकी और ये सब चीज़ें पा सकते हैं। तो बाज़ार में पहले ही हमारे बहुत सारे शत्रु घूम रहे हैं, उसमें से एक शत्रु है यूरिया, जिसके खिलाफ़ ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक फार्म अभी लड़ाई लड़ रहा है अपना वर्मी कंपोस्ट डेवलप करके, क्योंकि यूरिया जो है नाइट्रोजन का एक रिसोर्स है और उसका विकल्प हम वर्मी कंपोस्ट से दे सकते हैं। और दूसरा जो हमारे जो दुश्मन हैं इस एग्रीकल्चर सेक्टर में वो केमिकल और पेस्टिसाइड हैं, सभी जानते हैं। और ये आर्टिकल मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ, इसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में रीड आउट कर देता हूँ थोड़ा इसको जूम करके। ऑक्सीटोसिन इज़ मोस्ट हार्मफुल फॉर माइनर गर्ल्स, इट फोर्सेस देयर बॉडी टू अटेन अर्ली प्यूबर्टी एंड लीड टू डिसऑर्डर इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब कि जो ऑक्सीटोसिन नाम का जो ये केमिकल कंपोजिशन है, जो ये इंजेक्शन है, जब सब्जी में लगते हैं और जब सब्जी का हम सेवन करते हैं तो लंबे समय तक सेवन करने से होता क्या है कि जो लड़कियाँ हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो जल्दी जवान होने लगते हैं और फिर बाद में उनको जब वयस्क हो जाते हैं तो बाद में उनको तकलीफ़ें होती हैं तमाम तरह की। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, तो मैं आपके साथ आज की वीडियो शेयर करता हूं कि मेरे साथ आज क्या हुआ कि जो मुझे वीडियो बनानी ज़रूरी हो गई, तो प्लीज़ आपको मैं वीडियो दिखाता हूं। मित्र बताना चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों से लगभग 4 दिनों से बुखार है, तो इस कारण मैं अपने गाँव नहीं जा पाया, तो जो हमारी ऑर्गेनिक वहाँ पर जो वेजिटेबल्स है वो नहीं आ पाई, तो अभी हमारी जो भाभी श्री उन्होंने अभी कहीं से बाहर से सब्जी ली है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि पेस्टिसाइड फ्री जो आपकी ऑर्गेनिक सब्जी होती है उसमें और जो पेस्टिसाइड वाली जिसमें विशेष रूप से घिया, ये घिये की सब्जी है आप देखिए,
पहचान मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हरापन इसमें काफ़ी है, वो ये गला नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हार्ड है, तो यही सबसे बड़ी पहचान है जो हम पशुओं में गाय दूध, पशुओं में जो दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, उसी का इंजेक्शन लगभग लगा रहे हैं और स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं, इसको मैं तो नहीं खा पाऊँगा। तो आपने देखा जो ये घी आया है ये गला नहीं है, और इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा है और ये बिल्कुल नहीं गलेगा, चाहे आप इसको कितना गला लीजिए, और ना इसमें कभी स्वाद आएगा। तो ये एक पहचान है, इससे आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो आपने देखा कि क्या हुआ आज दिन में, तो आगे कंटिन्यू करते हैं जो इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग पेस्टिसाइड्स और यूरिया और जो भी हार्मफुल केमिकल्स हमारे खेती में इस्तेमाल हो रहे हैं उसके बारे में आपको मैं आगे जानकारी देता हूं। तो वापस हम बात करते हैं यूरिया की। यूरिया क्या है? यूरिया कार्बामाइड होता है, जो डायमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड होता है अगर हम केमिकल या केमिस्ट्री में बात करें, और ये बेसिकली नाइट्रोजन का सोर्स है, एक फर्टिलाइज़र है और फीड सप्लीमेंट की तरह काम करता है हमारे पौधों के लिए, और धीरे धीरे ये लगभग ये समझिए कि हमारे पूरे फूड चैन में आ गया है, और एक्सेसिव होने की वजह से ये कैंसर तक इससे बढ़ गया है। तो वही लड़ाई हमारी है ग्रीन इंडिया की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यूरिया आल्सो डायरेक्टली प्रमोट्स सेल डेथ एंड कैल्सिफिकेशन इन ब्लड वेसल्स, यानी कि यूरिया के एक्सेसिव होने पर जब ब्लड में ज़्यादा यूरिया हो जाता है तो जो सेल होती हैं हमारी वो मर जाती हैं, जो हमारी कोशिकाएँ होती हैं वो मर जाती हैं, और साथ में सख्त हो जाती हैं। कैल्सिफिकेशन मतलब जो ब्लड वेसल है वो सख्त हो जाता है, तो हमारे ब्लड फ्लो में भी दिक्कत होती है, जिससे क्या होता है कि हमारे एक तो बीपी की प्रॉब्लम होती है, और सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है यूरिया बढ़ने से वो ये आती है कि जो हमारे ब्लड में फैट सेल्स होती हैं उनका जो तालमेल होता है वो इंसुलिन के साथ बिगड़ जाता है, जिससे क्रोनिक डिजीज़ पैदा होते हैं, डायबिटीज़ होते हैं, फिर उसके बाद किडनी फेल हो जाती हैं। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन यूरिया की वजह से आ रही हैं, और आप देख पा रहे हैं कि ये चीज़ें इस समय किडनी फेल होना और धीरे धीरे कैंसर होना ये बहुत आम हो गया है। इसी तरह आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो पेस्टिसाइड हैं और जो केमिकल हैं उनका क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है। तो यहाँ पर बेसिकली जो बड़ी बीमारियाँ हैं पार्किंसंस, अल्जाइमर और ब्रेन कैंसर और इनफर्टिलिटी और बर्थ डिफेक्ट्स, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ जिससे पूरी जो हमारी ह्यूमन स्पीसीज़ है वो ख़तरे में आ गई है। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग धीरे धीरे, जैसे अब जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि सब लोग जैविक चीज़ों का उपयोग करें। मैं सभी फार्मर साथियों से भी अपील करता हूँ, और जितने भी इसमें एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि डिमांड की बड़ी बात है, अगर आपकी डिमांड जैविक होगी तो जो प्रोड्यूसर होगा वो भी जैविक उगाएगा, तो ये समझने वाली बात है। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक पेस्टिसाइड का चार्ट मेरे साथ शेयर कराया। ये तमाम तरह की पेस्टिसाइड हैं, क्लोरपाइरीफॉस से लेकर हेप्टाक्लोर और एल्ड्रिन और क्लोरड्रेन और DDT, जो ये मतलब सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्व डैमेज, यानी जो दिमागी संतुलन से लेकर नर्वस सिस्टम जो फेल होता है, कैंसर यानी कि आप जानते हैं, और इनफर्टिलिटी जब बच्चा ना हो पैदा, और हार्मोन डिसऑर्डर, इस तरह के लंग्स, किडनी, आइज, मतलब इतनी तमाम बीमारियाँ इन पेस्टिसाइड से हो रही हैं, क्योंकि हमारा शरीर केवल जैविक चीज़ों को ही पचा सकता है, और जो चीज़ें जैविक नहीं हैं उनको पचाने में हमारा शरीर सक्षम नहीं होता, तो उससे तमाम तरह के साइड इफ़ेक्ट और बीमारियाँ शरीर के अंदर पैदा हो रही हैं। एक ये रिसर्च मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और थोड़ा स्क्रीन पे इसको मैं थोड़ी देर रोकूँगा ताकि लोग बाग जानकारी ले पाएँ, नहीं तो स्टिल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं केवल आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि हैदराबाद में ये स्टडी कंडक्ट की गई, और इसमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से लिखा हुआ है कि जो केमिकल जो कंपोजिशन है या जो पेस्टिसाइड हैं उनके एक्सपोजर से सीधा जो है डाइजेशन ख़राब होने से लेके कैंसर और मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि बिल्कुल ही दिमागी रूप से मतलब हम जो हैं बीमार पड़ जाते हैं मतलब। तो ये बच्चों पर एक पढ़ाई की गई, एक स्टडी की गई, तो उसके रिज़ल्ट मैं आपके सामने जो है शेयर कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, इन पेस्टिसाइड से हम सीधे रूप से तो नहीं बच सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं। जब बाज़ार जाएं और सब्ज़ी लेकर आएं
और सब्ज़ी को अपने घर में लाएं। वैसे भी अभी इस समय कोरोना भी चल रहा है, तो कोरोना से बचने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि लोग बाग तमाम तरह के चीज़ें करते हैं, कोई गर्म पानी में सब्ज़ी को साफ़ कर रहा है। तो उसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें बेसिकली क्या करना चाहिए, क्या रिकमेंडेड है कि सबसे पहले तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पोलीथीन का यूज़ ना करें, क्योंकि वो रिसाइकल्ड पोलीथीन होती है तो उससे बैक्टीरिया आते हैं और फिर वो फ्रिज के अंदर जाते हैं। दूसरा हमारा ये है कि हम जब पानी है वो अच्छे से पहले वेजिटेबल लाएँ तो उनको जो है पानी में डाल दें और उसमें नमक डाल लें, या फिर पोटाशियम परमैंगनेट भी अवेलेबल हो जाता है किसी भी मेडिकल स्टोर से, हम वो भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छा आसान तरीका ये होगा कि उसके बाद हम उसको पानी में, ठंडे पानी में छोड़ दें चलना और वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और जैसे आप अपने लिए एक टावल यूज़ करते हैं हर चीज़ के लिए, आप टावल रखें, एक बड़ा टावल ले लें, साफ़ रखें उस टावल को, और उस टावल से फाइनली वेजिटेबल्स को साफ़ कर लें। और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। बेसिकली थोड़ा सा मैं बस ये बताना चाहूँगा कि लोग बाग बेकिंग सोडा के साथ भी वेजिटेबल्स को साफ़ कर रहे हैं, उससे काफ़ी तरह के पेस्टिसाइड जो है रिमूव हो जाते हैं। और एक अलग ऑप्शन और है, विनेगर जिसे हम सिरका बोलते हैं, या फिर लेमन जूस, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। और सबसे अच्छा तरीका फिर भी पानी में नमक का मिलाना ही है, उसमें 2% आपको वाटर जो है सॉल्ट लेना है वाटर में, और आप उसको बड़े आसानी से आप जो है 75 से 80% तक पेस्टिसाइड जो हमारे वेजिटेबल के ऊपर हैं उनको रिमूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए। और फिर यही एक जो ग्रीन इंडिया हमेशा आपसे अनुरोध करता है कि ज़्यादा वृक्ष लगाएं, उसी क्रम में आज ये भी कहना चाहेंगे कि जैविक खेती की तरफ बढ़ें और जैविक चीज़ों का उपयोग करें, और जितने भी पेस्टिसाइड हैं और जो केमिकल हैं जो जो हम फार्मिंग में यूज़ कर रहे हैं उसे ना करें, और जो पेस्टिसाइड वाली सब्ज़ी हैं उनको बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ना कहेंगे तो डिमांड क्रिएट होगी और डिमांड क्रिएट होने से लोग बाग जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे। अंत में बस इतना कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।